मित्रों जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। देश भर में अमीर गरीब सभी राष्ट्रभक्तों ने गुरुवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। एक तरफ अमीर लोगों ने बड़े बड़े नेताओं ने महलों होटलों में स्वतंत्रता दिवस मनाया तो दूसरी ओर गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे महिलाओं व अन्य लोगों ने उसे हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अन्य सभी साथियों और बच्चों के साथ यह पावन पर्व मनाया। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने लॉरेंस रोड के रेन बसेरो में रह रहे बच्चों और महिलाओं के बीच स्वतंत्रता दिवस मना रहे आयोजकों से बातचीत की है। सुनिए कि उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ लॉरेंस रोड के आश्रय गृह पर, जहाँ पे असहाय लोग रहते हैं, उनके बीच में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। झंडोत्तोलन किया गया है अभी, और हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के संयोजक राधे श्याम जी। कहे श्याम जी, किस तरह का आयोजन किया गया है और आपको कैसे ख्याल है कि यहीं पे झंडोत्तोलन किया जाए? भाई, ये पूर्वांचल न्याय मोर्चा की तरफ से विगत 15 सालों से स्थान पर झंडारोहण कार्यक्रम सम्पन्न होता है। इसी कड़ी में हर साल की बात, इस साल भी इस रन बसेरे में जहाँ गरीब मजदूर शोषित पीड़ित लोगों को आश्रय मिलता है, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है, झुग्गी कॉलोनीज है, किराए पर रहने वाले गरीब मजदूर शोषित पीड़ित और पूर्वांचल लोग रहते हैं, उनको बीच स्वतंत्रता दिवस की अलग को जगाने के लिए, स्वतंत्रता की भावना को पैदा करने के लिए पूर्वांचल न्याय मोर्चा की ओर से हर साल, इस साल भी बहुत भव्य ढंग से झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर गरीब बच्चों को, आसपास के सभी बच्चों को किताब कापी पेंसिल आदि का वितरण भी किया जा रहा है। और इस अवसर पर मैं पूरे पूर्वांचल वासियों को, दिल्ली वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। सर, आयोजन बहुत बढ़िया हुआ सर इस बार, और होता रहता है हर साल 15 अगस्त की तरह। इस बार भी पहले से ज़्यादा धूमधाम तरीके से मनाया गया है, और बच्चों को कॉपी पेंसिल रबर शॉर्पनर सबको वितरण किया जाएगा। यहाँ पे कम से कम 80-90 बच्चे के नाम है, और सबको दो दो कॉपी, दो दो पेंसिल, दो दो शॉर्पनर रबर सबको दिया जाएगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।